नीतीश कुमार ने अपने मुंह में दही क्यों जमाई हुई है जो ललन सिंह से कहलवा रहे हैं। मार्च में मिलने आए थे मुझसे, 25 नवंबर तक बने रहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर ने कहा। समस्तीपुर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार इतना गोल गोल बातों को घुमाते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं। नीतीश कुमार पक्ष में कुछ नहीं बोलते, ना ही विपक्ष में बोलते हैं। नीतीश कुमार को कहना चाहिए कि लालू तेजस्वी के परिवार वाले भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने मुंह में दही क्यों जमाया हुआ है जो ललन सिंह से कहलवा रहे हैं, ऐसी चीज़ें साबित करता है कि नीतीश कुमार क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार को RJD और तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं हुआ है, ये बात मैंने पहले भी सबसे कही है। नीतीश कुमार जो आज महागठबंधन में है वो विशुद्ध दो चार कारणों से हैं। हमसे मार्च में आकर घंटों बैठकर मिले, बात किए, मुझे बताया कि महागठबंधन बनाएंगे। पहला कारण महागठबंधन उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति समझ ये थी कि 24 में अगर भाजपा जीत कर आएगी तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाएगी और अपना कोई मुख्यमंत्री बनाएगी। यही कारण था कि उन्हें लगा कि भाजपा हटाए, इससे पहले मैं खुद ही महागठबंधन बना लेता हूँ ताकि 25 नवंबर तक मुख्यमंत्री बना रहूँगा। दूसरी सोच ये थी कि 25 के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनना तो है नहीं, तो हमारे बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, ताकि लोग ये याद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार कितनी भी खराब थी, तेजस्वी यादव वाले RJD से अच्छी ही थी। आप नीतीश कुमार को नहीं जानते, हम उनको बहुत अंदर से जानते हैं। नीतीश कुमार को कोई तेजस्वी यादव और RJD से प्यार नहीं है। मैं उनके साथ उनके घर में 1 साल से अधिक रहा हूँ। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की पोल खोलते हुए आगे कहा कि लालू यादव तेजस्वी यादव के पूरे परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, पूरे साफ गोई से कहना चाहिए कि ये हमारे सहयोगी है और इन पर भ्रष्टाचार के सारा आरोप निराधार है। अगर नीतीश कुमार ऐसा नहीं कहते तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। भाई नीतीश कुमार को ये जैसे RJD के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो नीतीश कुमार को भी ये कहना चाहिए। ललन सिंह से काहे कहलवा रहे हैं भाई, अपने क्यों नहीं कह रहे, अपने मुंह में क्यों दही जमाया हुआ है, ये बताता है आपको कि नीतीश कुमार अंदर से क्या सोचते हैं। अरे भाई नीतीश कुमार को कोई RJD और तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं हुआ है, ये बात मैंने पहले भी कहा। नीतीश कुमार जी जो आज महागठबंधन में है वो विशुद्ध दो कारणों से, हमसे मार्च में आकर दिल्ली घंटों बैठकर मिले हैं, बात किए हैं, महागठबंधन बनाने से पहले हमको बताया कि बनाएंगे। वो सिर्फ इसलिए बनाया है उन्होंने महागठबंधन कि नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ ये थी कि 24 में अगर भाजपा देश में जीत कर आएगी तो सबसे पहले इनको हटाएगी और यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, तो इसलिए भाजपा हटाए उससे पहले खुद ही छोड़कर महागठबंधन बना ले तो कम से कम 25 नवंबर तक तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और दूसरी सोच उनकी ये है कि हमारे बाद, उनको भी मालूम है कि 25 के बाद तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो हमारे बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, ताकि लोग ये याद करें और कहे कि भाई पूछो कहो कतनो खराब रहे नीतीश कुमार के सरकार, इकरो सिकरा से तो ठीके रहे। तो आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, हम उनको बहुत अंदर से जानते हैं। ये नीतीश कुमार हम उनके साथ घर में रहे हैं सालों तक, तो मैं आपको बता रहा हूँ नीतीश कुमार को कोई RJD और तेजस्वी यादव आप हमको कोई पत्रकार में आपको दावा कर रहा हूँ नीतीश कुमार के मुंह से ये कहलवा दे कि लालू यादव तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में शामिल नहीं, ये कहते नीतीश कुमार इतना गोल गोल घुमा दिए कि उनको खुद ही नहीं पता चला कि वो क्या बोले। नीतीश कुमार ने उसके पक्ष में भी कुछ नहीं बोला, विपक्ष में भी कुछ नहीं बोला, गोल गोल घुमा के इतना गोल गोल घुमा दिए कि उनको खुद ही नहीं पता चला कि वो क्या बोले। तो भाई अगर उनको लगता है कि लालू यादव भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त है तो नीतीश कुमार को आकर बिल्कुल साथ गोई से ये कहना चाहिए कि भाई ये हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार का सारा जो आरोप है वो निराधार है, ये लाइन कहना चाहिए। और अगर ये नहीं कह रहे हैं तो अपने आप आपको पता है कि वो क्या कह रहे हैं।